उत्तर प्रदेश की जौनपुर सीट से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह अचानक से फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करना और फिर धमकी और अपहरण मामले में कोर्ट से दोषी करार दिया जाना और फिर मामले में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाना। कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय सिंह पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। एक दिन पहले मंगलवार को पीएमएलए कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था। इस मामले को लेकर धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस बीच धनंजय सिंह का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है। जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह और अखिलेश यादव का एक गर्मजोशी से मिलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अखिलेश यादव धनंजय सिंह से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों नेताओं का ये वीडियो 4 फरवरी का है, जब लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी के नेता राहुल सिंह की शादी में अखिलेश यादव पहुंचे थे, जहां धनंजय सिंह पहले से मौजूद थे। दोनों के बीच 5 मिनट तक बातचीत होती रही। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बातचीत के दौरान धनंजय सिंह ने अखिलेश यादव से जौनपुर से टिकट की बात की थी और बता रहे थे कि क्यों समाजवादी पार्टी से वो टिकट चाहते हैं और उन्हें टिकट क्यों मिलना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया है कि धनंजय सिंह इससे पहले रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव से भी मुलाकात कर चुके हैं। इस वीडियो में अखिलेश यादव के साथ मोती सिंह, राम सिंह और धनंजय सिंह दिखाई दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक धनंजय सिंह ने समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव से मिलने के लिए पार्टी नेताओं से भी बात की थी और कई लोगों से मिले थे। माना जाता है कि अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के साथ पुरानी राजनीति रहने की वजह से धनंजय सिंह के समाजवादी पार्टी से भी अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। धनंजय सिंह ने की थी लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा। हाल ही में जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें जौनपुर से कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया गया है, इसके कुछ देर बाद ही पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने भी जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने 2 मार्च को एक पोस्ट में लिखा था, साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस एक, लोकसभा 73 जौनपुर। किस मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को जौनपुर के लाइन बाजार थाने में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके साथी विक्रम के खिलाफ अपहरण और रंगदारी मांगने का आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि विक्रम ने अपने 2 साथियों के साथ पहले उनका अपहरण किया और फिर उन्हें पूर्व सांसद धनंजय सिंह के आवास पर ले गए थे। सिंघल ने आरोप लगाया था कि वहां धनंजय सिंह ने उन्हें पिस्टल दिखाकर गालियां देते हुए, धमकी देते हुए रंगदारी मांगी थी। इसी मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया और फिर कोर्ट ने 7 साल की सजा सुना दी।